वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल ए एस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ए एस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर आज हूँ लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो हमारा एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस टॉपिक्स यानी जूट इंडस्ट्री से पहले के प्रीवियस टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल एएस क्लासेस पर अपलोड कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है जूट इंडस्ट्री। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो जूट इंडस्ट्री के रिलेटेड हमें बताए गए हैं इन अवर बुक, जो हमें समझाए गए हैं हमारी बुक में। सबसे पहला जो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ हो सकता है वो ये हो सकता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जो हमारा देश भारत है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, रॉ जूट मैन्युफैक्चरिंग का, रॉ जूट प्रोडक्शन का, और इसके साथ गुड्स जो जूट से रिलेटेड गुड्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो ये कि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, जब हम गुड्स जूट गुड्स की एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो भारत सेकेंड प्लेस पे आता है वर्ल्ड में, लेकिन हमसे आगे जो कंट्री है जो जूट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है वो है बांग्लादेश। तो हम कह सकते हैं इंडिया इज द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हमारा प्लेस आता है, हम सेकेंड प्लेस पर है जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये दोनों ही हमसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड स्टेटस ऑफ मिल्स, जब हम लोग जूट मिल की बात करते हैं तो हमें वो डेटा, हमें वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ इंडिया में टोटल कितनी जूट्स हैं और वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो टोटल जूट मिल्स हैं वो लगभग 78 जूट मिल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को जानना चाहिए और इससे रिलेटेड हमारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद में। वो ये कि 61 जूट मिल्स प्रेजेंट इन वेस्ट बंगाल अलोंग द रिवर हुगली, जो कि 98 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। जब हम लोग जूट मिल्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जूट मिल्स अगर कहीं पर सिचुएटेड है, कहीं पर हमें मिलती हैं तो वो है वेस्ट बंगाल। लगभग 78 में से 61 जूट मिल्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल में से, और ये सारी की सारी जूट मिल्स ज्यादातर किसके पास है, जो वहां रोगर है हुगली रिवर, उस रिवर के पास है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बनेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है कि ज्यादातर जूट मिल्स जो है वो कंसेंट्रेटेड है हुगली रिवर के आसपास, यानी कि वेस्ट बंगाल में। इसके बाद देखते हैं बेटा नेक्स्ट अगर हम बिहार और यूपी की बात करते हैं तो ये दोनों ऐसी जगह है जहां पर 3-3 जूट मिल्स हैं, यानी कि 3 in Bihar and 3 in UP। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की तो आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पर 7 जूट मिल्स है जो कि सिचुएटेड है। इसके अलावा असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा, ये 4 वो स्टेट हैं जहां पर 1-1 जूट मिल सिचुएटेड है। क्लियर, ये है स्टेटस जूट मिल्स का इन अवर कंट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो सेकेंड पॉइंट में से आएगा, बाकी सारे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को जो हमारा 5 मार्क्स का पॉइंट बनेगा पॉइंट नंबर 2 में से। क्लियर, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि
जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड नेक्स्ट वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है और कई बार रिपीटेड हुआ है। जूट इंडस्ट्री में से जो हमारा क्वेश्चन है बोर्ड में कई बार आया है और 5 मार्क्स में रिपीट हुआ है, उसमें हमसे पूछा जाता है व्हाई मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज आर कंसेंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर द बैंक ऑफ रिवर हुगली। वो क्या कारण है कि ज्यादातर जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो वेस्ट बंगाल में ही कंसेंट्रेटेड है और वहां पर भी जो रिवर हुगली है उसके पास वो ज्यादातर सिचुएटेड है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 61 जूट इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल एंड टोटल जूट इंडस्ट्रीज इन अवर कंट्री इज ओनली 78। अब इसको देखें तो साफ तौर पे ये बात लॉजिकली दिख भी रही है कि हाँ ज्यादातर जो जूट इंडस्ट्रीज है वो वेस्ट बंगाल में है। तो हमसे इसका कारण पूछा जाता है इन अवर बोर्ड एग्जाम। तो प्यारे बच्चों कारण के लिए हमको लॉजिकली वही सारे पॉइंट्सों को एक बार रिमाइंड करना है जो हमने स्टार्टिंग में सीख लिया था कि एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। जहां हमने डिस्कस किया था सम ह्यूमन फैक्टर्स एंड सम फिजिकल फैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं उन्हीं के बेसिस पर आखिर जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में एस्टेब्लिश क्यों है, क्यों वहां सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट था जो पॉइंट था वो था रॉ मटेरियल। तो हम ये बात जानते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो इसका मतलब वहां पर जो भी इंडस्ट्री है वो अपने गुड्स को इजीली मैन्युफैक्चर कर पाएगी और रेगुलरली मैन्युफैक्चर कर पाएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो रिवर हुगली है उसके आसपास का एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर भारी मात्रा में जो जूट है उसका कल्टीवेशन हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन है तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा फॉर द इंडस्ट्रीज। क्लियर। और हम देखते हैं कि जो बिहार है उसके पड़ोसी स्टेट में ही 3 जूट मिल्स हैं और वेस्ट बंगाल में 61 जूट मिल्स हैं। तो इसका मतलब आसपास का पूरा ही एरिया ऐसा एरिया है जो जूट कल्टीवेटेड एरिया है, तो यानी इजीली रॉ मटेरियल मिलना आसान हो जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जूट प्रोडक्ट्स का वो है बांग्लादेश और बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की एकदम नजदीक है, यानी एक गुड नाइबर जो कि इसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है उसके होने का भी फायदा वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रीज को मिलता है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट है वो पॉइंट है हमारा एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई। जूट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जूट के प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जूट के कल्टीवेशन के लिए वाटर सप्लाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी सफिशियंट मात्रा में वाटर सप्लाई होनी चाहिए क्योंकि हुगली रिवर वहां पर सिचुएटेड है। तो इजीली सभी प्रोसेसेस के लिए, चाहे हमको कल्टीवेशन करना हो, चाहे हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में वाटर की जरूरत हो यानी इंडस्ट्री में वाटर की जरूरत हो, तो हुगली रिवर के द्वारा ये सब आसानी से वाटर सप्लाई हो जाती है, यानी कि हुगली रिवर वाटर को प्रॉपरली मैनेज कर रही है जूट इंडस्ट्रीज के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, चीप एंड स्किल्ड लेबर। भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंडस्ट्री चलानी है तो लेबर का होना भी जरूरी है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था लेबर को 2 पार्ट्स में, एक स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो जब हम इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री के क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर सस्ती और स्किल्ड लेबर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है फ्रॉम द डेंसली स्टेट ऑफ देयर नेबर्स। जैसे हम बात करें वेस्ट बंगाल में वो तो खुद है ही ऑलरेडी, इसके अलावा बिहार और उड़ीसा जो कि इसके अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्र है वहां पर से लेबर की सप्लाई इजीली हो जाती है और स्किल्ड और चीप लेबर मिल जाती है। तो इसकी वजह से जो लेबर की प्रॉब्लम है वो भी कभी देखने को नहीं मिलती। हम जानते हैं बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये सही डेंस, सभी के सभी डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया या हमें कहीं से रॉ मटेरियल लाना है या हमें कहीं से मशीन्स लानी है या हमें लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है,
ट्रांसफर करना है तो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। और जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ये क्षेत्र दोनों ही तरीके का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराता है। अगर हम बात करें रेलवेज की तो गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज आर अवेलेबल इन दिस प्लेस। एंड नेक्स्ट वाटरवे की तो वाटरवे भी यहां पर बिकॉज ऑफ हुगली रिवर चीप ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी हमारा ये भी एक फैक्टर है जो जूट इंडस्ट्रीज को कंसेंट्रेट करता है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद करते हैं लास्ट भाई, हमें मार्केट की भी जरूरत है क्योंकि मार्केट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो कोलकाता और आसपास का जो क्षेत्र है वो इनको मार्केट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराता है। साथ ही कोलकाता में जो पोर्ट है वो एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जूट इंडस्ट्री को अपना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ये पोर्ट बहुत सहायता करता है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मार्केट फैसिलिटीज हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं, वो भी इन क्षेत्रों में इजीली अवेलेबल होती है। क्लियर? तो बच्चों ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में डिस्क्राइब करने। दीज आर द हेडिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज हेडिंग्स यू हैव टू राइट डाउन सम योर ओन पॉइंट्स इन योर आंसर शीट। आप जब उधर वहां अपने कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और ध्यान रखना है जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना है इट मींस वी हैव टू राइट डाउन द 6 पॉइंट्स। कम से कम हमको 6 पॉइंट वहां पर मिलते हैं ताकि हमारा एक सही इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़े। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री इन अवर कंट्री। हो गया बच्चों? तो चलिए अब आगे देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जो था चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। जब हम लोग जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया में जूट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर रही है। और इस चैलेंज से रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आता है और कई बार रिपीट हुआ है। जब ये क्वेश्चन आया तो हमको किस तरीके से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, कौन से पॉइंट्स को हमको लिखना है, चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ कंपटीशन में जब हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जूट इंडस्ट्री जो है वो लोकल मार्केट एज वेल एज एन इंटरनेशनल मार्केट दोनों ही केसेस पर स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है। हमने देखा कि इंडिया के अलावा और भी अदर कंट्रीज है जो जूट और जूट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से इंडिया की जूट इंडस्ट्री को अदर जो इंटरनेशनल जो मार्केट है, अदर इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे स्टिफ कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं हाई कॉस्ट। ज्यादातर जो हमारे जूट प्रोडक्ट्स है, जूट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स है, ये सारे के सारे हाई कॉस्ट होते हैं, यानी इनकी जो कीमत होती है वो एज कंपेरिजन टू दी अदर प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए इसकी डिमांड भी हम देखते हैं मार्केट में उतनी नहीं है। इसके बाद जो हमारे थर्ड है वो है सब्स्टिट्यूट। जब हम सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखते हैं तो मार्केट में सिंथेटिक गुड्स वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है और एज कंपेरिजन टू दी जूट गुड्स सिंथेटिक गुड्स आर मच चीपर एंड ड्यूरेबल। दोनों ही दोनों एरियाज में हम देखें, चाहे कॉस्ट के बेसिस पे देखें चाहे ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे देखें, तो हम देखते हैं जूट प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी भी नहीं है, हाई कॉस्ट भी है, लेकिन सिंथेटिक गुड्स की जो प्रोडक्ट है ये ड्यूरेबल भी है और चीप भी है। तो यही रीजन है कि जो जूट इंडस्ट्री है वो डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस कर रही है इन इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज इन लोकल मार्केट। क्लियर? तो बच्चों ये तो हो गई हमारी हेडिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज हेडिंग्स यू हैव टू राइट डाउन योर ओन पॉइंट्स। आप अपने ओन पॉइंट्स बना सकते हैं और यहां पर हमने जो 3 हेडिंग्स डाली हैं आप इसको 4 हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। हमने लिखा लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ये भी हमारा एक वैलिड पॉइंट बनेगा जो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्लियर?
तो ये थे वो चैलेंजेस जो जूट इंडस्ट्री फेस करती है इन इंडियन मार्केट एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट। इसके अलावा बच्चों एक मार्क्स का क्वेश्चन और आता है जो हमसे पूछा जाता है, वो ये कि फर्स्ट जूट मिल थी वो कहां पर स्टेब्लिश हुई और कब स्टेब्लिश हुई, वेयर एंड वेयर, दोनों ही चीजें हमसे पूछी जाती है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो जूट इंडस्ट्री है वो विसरा कोलकाता में ही स्टेब्लिश हुई, यानी सबसे पहली जूट मिल भी कहां हुई, कोलकाता में ही स्टेब्लिश हुई। तो सीधी सी बात है बच्चों, ज्यादातर कंसेंट्रेशन कहां होगा, कोलकाता में ही होगा। इसके बाद कौन से सन में हुई, 1855, यानी कि बहुत पहले जब हमारे ऊपर कॉलोनियल पीरियड था यानी कि ब्रिटिश रूल था उस समय हमारी जूट मिल स्टेब्लिश हो चुकी थी। क्लियर बच्चों, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर जब ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो किस तरीके से इस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट किया जाए, आखिर क्या किया जाए कि इसको अपलिफ्ट कर इसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। तो फटाफट से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हो गया बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं लास्ट टॉपिक जिसपे हमें डिस्कस करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी 2005। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने जूट प्रोडक्शन को, जूट मैन्युफैक्चरिंग को अपलिफ्ट करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेम की इन 2005, जिसको की नेशनल जूट पॉलिसी के नाम से जाना है। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने वो एम डिसाइड किए जिससे कि जूट प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला था इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के तहत गवर्नमेंट ने अपने यहाँ जो फार्मर्स थे उनको कल्टीवेशन में यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ट्रेन किया और डिफरेंट मेथड्स के जरिए इस पे फोकस किया कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और दूसरा था इंप्रूविंग क्वालिटी, यानी कि केवल प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाना है साथ में उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो इतने अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी वाइज इतने बेस्ट होने चाहिए कि इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस कर सके, इसीलिए उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने पर फोकस किया गया। इसके अलावा लास्ट था एंश्योरिंग गुड प्राइस टू द जूट फाइबर्स। जितने भी हमारे ये फाइबर्स नहीं है, यहाँ फार्मर्स हमको लिखना है, जो जूट फार्मर्स थे उन फार्मर्स को उनकी प्रोडक्शन का प्रॉपर प्राइस जो है वो मिलना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो और ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन पर यानी जूट प्रोडक्शन पर फोकस करें। आप इसको वहां भी लिख सकते हैं, इसको चैलेंजेस फेस्ड आया है, चैलेंजेस फेस्ड वाले में हम लिख सकते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपरली जो है कॉस्ट नहीं मिल रही है, यानी कि देखो यहां से हमको एक नया पॉइंट मिल गया किसके लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए। तो फार्मर्स को प्रॉपर प्राइस मिले ये भी एंश्योर करना था गवर्नमेंट को अंडर द एम ऑफ दिस पॉलिसी। क्लियर बच्चों, ये आपको लिखना है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी 2005। वन मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कौन से सन में हुई, आपको पता होना चाहिए 2005 में लॉन्च की गई, क्या एम्स थे ये एम्स। 3 मार्क्स में ये कभी कभार आया, ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 1 मार्क्स में हमसे इसके मेजर इम्पोर्टर भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के जूट प्रोडक्ट्स के वो कौन से इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इम्पोर्ट करते हैं हमारे यहाँ के जूट प्रोडक्ट को, तो हम लिख सकते हैं यूएसए, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, ये वो कंट्री है जो हमारे यहाँ के जूट प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करती है। क्लियर, तो फटाफट से पहले बच्चों इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, तो ये था हमारा जूट इंडस्ट्री का पूरा टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको ध्यान से पढ़े क्योंकि इसमें से हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी बुक में दिया है बट नॉट इन दिस वीडियो, हम वो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि शुगर इंडस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तो तब तक प्यारे बच्चों देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस।